हेलो एवरीवन क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है थोड़ा लेट हो गया इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी लोगों से आपको वेट करना पड़ा अजीम गुज्जर एक्शन अरिहंत पवन प्रमोद प्रिया एवरीबडी वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों को अगेन वेरी सॉरी आप लोगों को लगभग बीस मिनट वेट करना पड़ा ओके okay, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर एक नई सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तोकिर आलम सजल तो आप लोग रेडी हैं एक नई सीरीज के लिए दोस्तों इस सीरीज का जो नाम रखा है बहुत सोच समझ करके आप लोगों के कहे अनुसार ही रखा गया है टर्मिनोमिक्स टर्मिनोलॉजी और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन है टर्मिनोमिक्स इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी ठीक है ना और एक चीज समझ लीजिए कि यह काफी इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और इसमें अगर आप सीरियसली होकर के तैयारी करेंगे तो मैं डेफिनेट कह सकता हूं कि आपका इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा मोहम्मद फहीम मीनाक्षी दीपक एब्रीवडी तो मैं बात कर रहा था कि यह जो सेशन है थोड़ा सा लंबा सेशन जरूर चलेगा लेकिन इसके माध्यम से जो आप लोग 2024 का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही अल्टीमेट हो जाएगा कारण क्या है देखिए कंसेप्चुअल स्टडी तो हम लोग पढ़ कर लेते हैं काफ़ी कुछ तक कवर भी हो जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ध्यान रखना भाषा विज्ञान के अलावा जिसकी अपनी एक सेपरेट डिक्शनरी आती है यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी सोचिएगा डिक्शनरी आती है अलग से समझिएगा ठीक है ना तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हर शब्द की अपनी एक डेफिनेशन है और अगर आप लोग उस डेफिनेशन को उस अर्थ को नहीं समझते हैं तो ये मान के चलिएगा कि उसका अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगेगी सुनील कृष्णा एवरीबडी वेरी गुड मॉर्निंग नमस्कार दीपक तो ध्यान रखिएगा इसीलिए बहुत सोच समझ करके मैंने बहुत पहले से ही आप लोगों को हिंट किया हुआ था जो लोग मेरी पिछली क्लास कर रहे थे इकोनॉमी की एमसीक्यू सीरीज जिन्होंने कंप्लीट किया है मैंने एक क्लास पहले भी कवर किया हुआ है लगभग पचपन छप्पन क्लास में आप लोगों का इकोनॉमी थ्रू एम उसमें भी मैंने कहा था क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें अब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें टर्मोलॉजी बहुत आती थी और उन टर्नोलॉजी का अर्थ लोगों को नहीं पता होता था ध्यान रखना इसीलिए मैंने उस समय कहा था कि मैं आगे एक सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें पूरे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के हर चैप्टर की एक एक टर्नोलॉजी को हम लोग डिफाइन करते जाएंगे यस मिस्टर यूपीएससी एस्परेंट बिल्कुल डेली बेसिस पर होगी मंडे टू सैटरडे डेली बेसिस पर होगी ओके okay? ध्यान रखिएगा और जिनको कोर्स खरीदना है वो अपना खरीद सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और दूसरी सबसे बड़ी चीज इसमें और समझ लीजिएगा इकोनॉमिक्स के पेपर को अगर आप उठा करके देखेंगे तो इकोनॉमिक्स का का जो का जो पेपर होता है खासकर प्रारंभिक परीक्षा का ध्यान रखना उसके जितने क्वेश्चन उठा के देखेंगे उनमें से लगभग सेवनटी टू एट्टी परसेंट क्वेश्चन उसकी टर्मोलॉजी पर बेस्ड होते हैं जिसका अर्थ ही हमको नहीं पता होता ध्यान रखना इसलिए बहुत सोच समझ करके ये सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया है मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मुझे चैप्टर वाइज एक एक टर्मोलॉजी को तैयार करना है फिर आप लोगों को एक एक चीज टर्मोलॉजी को प्री और मीन्स दोनों के हिसाब से डिस्कस करना है समझना सोचिएगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मेंस एग्जाम के लिए भी उसको डिस्कस करना है दोनों चीज़ें कवर होंगी और ये समझ लीजिएगा एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलेगा ध्यान रखना इसलिए ये छोटा मोटा मत समझिएगा कि यह छोटी मोटी सीरीज है या छोटा मोटा कंसेप्ट है ये टर्मिनोमिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हम लोग बहुत बड़ा ध्यान रखना और जिस किसी को मुझसे कनेक्ट होना है तो वो कनेक्ट हो सकते हैं ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लिंक दे दिया है आप लोग देख लीजिएगा कोड मेरा टेलीग्राम लिंक इंस्टाग्राम मेल आईडी जो लोग पूछते हैं कि सर का लिंक कौन सा है तो मैंने आपको यहीं पर दे दिया ये मेरा बारकोड है टेलीग्राम का ये हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले बात आती है इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी क्या है और यह क्यों जरूरी है ज्योति जो और भी के के क्लास बिल्कुल होगी क्यों नहीं होगी वो अपने टाइम पर होगी अभी हम जो बात करने जा रहे हैं पहले उसको देख लीजिएगा इकोनॉमिक टर्मोलॉजी ध्यान रखना अर्थशास्त्र जिसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था इसके प्रत्येक अध्याय में ध्यान रखना प्रत्येक अध्याय में अनगिनत शब्दावली होती है ध्यान रखना अनगिनत शब्दावली है हर चैप्टर में है अक्षय शुक्ला वो आपको सारी पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर ठीक है ना ध्यान रखिएगा तो हर चैप्टर में क्या है बहुत सारी टर्मोलॉजी है और इन टर्मोलॉजी का शब्दावली का सही अर्थ जानना बहुत जरूरी है अगर आप समझ लीजिएगा यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो समझ लीजिएगा जैसे हम बात करते हैं विकास के बारे में तो लोग सोचते हैं कि विकास है क्या ग्रोथ को अगर आप गूगल ट्रांसलेट पर ट्रांसलेट करेंगे तो ग्रोथ को विकास कहा जाता है और डेवलपमेंट को भी विकास कहा जाता है आर्थिक विकास का अर्थ लोग समझ ही नहीं पाते कि आर्थिक विकास का अर्थ क्या है आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या होता है समझ लेगा समावेशी समृद्धि और समावेशी विकास का अर्थ क्या होता है यह नहीं समझ पाते तो ये छोटे 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 अर्थ का जब अनर्थ होता है ना फिर कहते हैं कि सर हिंदी मीडियम में नंबर क्यों नहीं आ पाते हैं हम लोग भी सोचो कि प्रारंभिक परीक्षा हर बार पास किए मुख्य परीक्षा पास किए इंटरव्यू दिए पी में सिलेक्शन लिए हमने उन चीजों पर फोकस किया था जहां जहां पर सामान्य स्टूडेंट गलती करता है तो ये सीरीज जो है उसी के पर्पज से है कि आप लोग वो गलती ना करें और आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप जा करके इकोनॉमी की डिक्शनरी खरीद के लाएं और उनका मीनिंग ढूंढें और ध्यान रखिएगा हिंदी मीडियम में इकॉनॉमी की डिक्शनरी आती भी नहीं है ध्यान रखना तो ध्यान रखिएगा तो इसका सही अर्थ जानना जरूरी है दूसरा एक पॉइंट और यहां पर समझ लीजिएगा लगभग यूपीएससी के प्री एग्जाम में लगभग इकोनॉमी से ध्यान रखिएगा। इकॉनमी से देखेंगे तो लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आपके आते हैं लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं ध्यान रखना 20 क्वेश्चन और इन बीस क्वेश्चन में से लगभग पंद्रह क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टर्मोलॉजी बेस्ड होते हैं टर्म बेस्ड क्वेश्चन होते हैं पेपर उठा के देख लीजिए पिछले दस साल के बीस साल के पंद्रह साल के पेपर उठा के देखिए हर पेपर में आपको टर्मोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे टर्मोलॉजी बेस्ड और हम लोग सोचते हैं कि ये कहां से आए हैं और किसी किताब में नहीं दे रखे हैं यह गुरदास दाब से विशाल भाई से वेरी गुड मॉर्निंग यार इतनी तारीफ मत करो यार बस <laughs> तो जो बात कर रहा हूं उसको समझिएगा और इकोनॉमी के बिना आप ना तो प्रारंभिक परीक्षा पास कर सकते हैं ना मुख्य परीक्षा पास कर सकते हैं और ना ही इंटरव्यू इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेस पर पूछे जाते हैं आपसे कहा जाए सिंपल सा जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया तो पहला क्वेश्चन था मेरे सामने वाट इज द मनी लॉन्ड्रिंग सोचिएगा पहला क्वेश्चन आईजी नामदार का बोर्ड था और उन्होंने पहला क्वेश्चन सोचिए दाग दिया मिस्टर मनोज व्हाट इज द मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग क्या है सोचना ये छोटी छोटी चीजें अचानक आप घबरा जाएंगे बात समझी क्या तो लगभग ये मान के चलिए सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट क्वेश्चन आपके कहां से आएंगे

मैं यहां पर उस डेफिनेशन के साथ उसके सारे एस्पेक्ट्स भी डिस्कस करूंगा ध्यान रखिएगा जैसे मैं आपको बता दूं ये सोची गई आए हुए क्वेश्चंस का एक केवल एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था एक समाजवादी अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं है कि आपने ये शब्द सुने नहीं होंगे ये शब्द सुने हैं लेकिन जब इनके अंदर के टेक्निकल चीजों को हम पढ़ना शुरू करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है समान तौर पर हम क्या समझते हैं निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्रों का मिश्रण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है यह भी तो हो सकता है कि समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण हो बोले सर वो भी तो एक ही मतलब है समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सरकारी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र लेकिन इनके अंदर के अगर कंटेंट को डिफाइन देव, करने जाएंगे तो पूरा का पूरा एक चैप्टर है ध्यान रखेगा समाजवाद जो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर पूरा का पूरा एक चैप्टर है यहीं पर मेंस का क्वेश्चन बनता है भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः है मिश्रित अर्थव्यवस्था है लेकिन उन्नीस के बाद यह अर्थव्यवस्था तेजी से पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रही है कहां से लाओगे क्वेश्चन ऐसा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है मिश्रित अर्थव्यवस्था है लेकिन उन्नीस तेजी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही है क्या आप इस कथन से सहमत हैं यानी कि जब तक इनका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक ना प्री क्वालिफाई कर सकते ना मेंस क्वालिफाई कर सकते ठीक है ना या कह सकते हैं उन्नीस से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवाद प्रेरित मिश्रित अर्थव्यवस्था थी और 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद प्रेरित अर्थ, मिश्रित अर्थव्यवस्था है इस कथन का परीक्षण कीजिए यस पवन बिल्कुल मेरी क्लास 25 सितंबर से पेड बैच में इकॉनमी से स्टार्ट हो रही है यस नेक्स्ट बैच में आपके सितंबर में जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा वो समझ लीजिए कि मेरा इकोनॉमी से ही बैच स्टार्ट होगा बात समझना जरा जरा सी चीजों से ही समझिए इस पर बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं अब उसी तरह से अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता प्रति व्यक्ति निम्न आय पूंजी निर्माण की दर निम्न दर पूंजी निर्माण होता क्या है आप शब्द सुन लेते हैं लेकिन अर्थ जान पाए कभी नहीं इसलिए पेपर पास नहीं होता पूंजी निर्माण क्या होता है निम्न आश्रिता अनुपात यह क्या होता है आप जाकर के पेपर उठा करके देख लेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे उसके नीचे डेफिनेशन पढ़ लेंगे जो व्याख्या दे रखी है घटना चक्र में ठीक है ना लेकिन उससे होता क्या है उससे कुछ नहीं होने वाला तृतीय क्षेत्र में अत्यधिक कार्यबल शक्ति अधिक कार्यबल शक्ति का मतलब क्या होता है बात समझिएगा उसी तरीके से राष्ट्रीय आय सिंपल सा एक क्वेश्चन है छोटा सा टॉपिक है राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य क्या होता है साधन लागत क्या होती है निवल देशी उत्पाद निवल राष्ट्रीय होते क्या सोचिएगा इन जब तक इनके शब्दों का अर्थ नहीं जान पाते तब तक आप कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे सेम आ जाइए निम्न में से कौन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को आप सब लोग जानते हैं और सब जानेंगे भी लेकिन उत्पादन विधि आय विधि और व्यय विधि ये तीनों विधियां जो हैं आप सामान्य तौर पर किताबों में पढ़ लेते हैं कि जीडीपी या राष्ट्रीय आय को नापने की ये विधियां हैं लेकिन हिरासमान लागत विधि क्या होती है हिरासमान लागत विधि क्या होती है लॉस मेकिंग फैक्टर कॉस्ट ये क्या होता है तो ये जो चीजें हैं इसलिए लो, हम लोग सब लोग कहते हैं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो उनको लगा लो लेकिन लोग क्या करते हैं घटना चक्र खरीदते हैं या किसी दिशा वाले की खरीदते हैं या उसकी खरीदते हैं या इसकी खरीदते हैं उसके नीचे जो व्याख्या दे रखी होती है उसे व्याख्या पढ़ लेते हैं लेकिन क्या वो इन शब्दों के अर्थ को अपने से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं हो सकता है अगले साल राष्ट्रीय आय पर ना जाकर के साधन लागत पर ही क्वेश्चन पूछ ले तो साधन लागत का अर्थ क्या होता है इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हो सकता है कि वो हिरासमान लागत विधि पर क्वेश्चन पूछ ले हिरासमान लागत विधि का अर्थ क्या होता है उसी तरीके से देखेंगे कौन सा अनार्थिक तत्व तो? देश की वृद्धि में वृद्धि का मतलब यहां पर क्या है विकास है या समृद्धि है बात समझिएगा तो मैं बात कर रहा था देश की वृद्धि का मतलब देश की वृद्धि मतलब देश का विकास या देश की समृद्धि क्या है ठीक है ना अब उसमें से अगर बात किया जाए तो आ, अनार्थिक तत्व तो पूछे गए हैं अनार्थिक तत्व तो और आर्थिक तत्व तो कौन कौन से होते हैं इनको जानना है समझिएगा वो कौन कौन से अनार्थिक या आर्थिक तत्व तो होते हैं वो आपको समझना है फिर आएंगे अंदर सामाजिक व्यवहार का मतलब क्या होता है सामाजिक व्यवहार में किन किन चीजों को शामिल करते हैं शक्ति संसाधन क्या क्या होते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं पूंजी संसाधन किसे कहते हैं और जब तक इस एक एक शब्द की टर्मोलॉजी आपकी डिफाइन नहीं है तब तक आप इकोनॉमी में कमजोर ही महसूस करेंगे इसलिए ध्यान रखिएगा, 90% परसेंट स्टूडेंट इकॉनमी का यह मानता है कि इकोनॉमी सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट है तीनों अलग अलग हैं बेटा अलग अलग हैं समृद्धि वृद्धि विकास ठीक है ना बात करेंगे इन सब चीजों पर एक एक करके आएंगे बेटा लवाशना इन सब पर आएंगे मैं अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूं ये सोचिए कि केवल और केवल पहले चैप्टर के टॉपिक हैं ये पहले चैप्टर के टॉपिक हैं मैंने कुछ एक क्वेश्चन उठाए क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन नहीं उठा सकता यहां पर मैं एक एक करके अब ये इस क्लास में हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो ध्यान रखेगा इस क्लास में हम जो कंसेप्ट रखेंगे वो समझिएगा वो क्या क्या रहेगा हमारी क्लास का जो शेड्यूल रहेगा उस क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनकी जितनी भी टर्म्स हैं वो हम देखेंगे प्लस जितने भी कंसेप्ट हैं वो भी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के टर्म्स भी और कंसेप्ट भी दूसरी चीज में हम कोशिश करेंगे कि आपके प्री एग्जाम से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब कवर हो जाएं और साथ के साथ आपके मेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है ना प्री एग्जाम तो कवर करेंगे करेंगे साथ के साथ हम मेंस एग्जाम भी कवर करेंगे यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस इसके साथ में आपका जो एक्सपेक्टेड है संभावित ध्यान रखना संभावित सभी टर्म्स इसमें हम शामिल करेंगे सारी की सारी ध्यान रखना तो प्री एग्जाम का टॉपिक भी कवर करेंगे मेंस के भी टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही होते हैं ध्यान रखना इसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये भी हम कवर करेंगे ठीक और तीसरी सबसे बड़ी चीज और ध्यान रखिएगा वो ये है कि इसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर हो गए एक्सपेक्टेड हो गए प्री एग्जाम मेंस एग्जाम ये सारी चीजें हो गई ध्यान रखना और इसमें जो हम कवर करेंगे वो ध्यान रखिएगा आपके जितनी भी चीजें कवर करेंगे वो सब आपकी कैसी होंगी चैप्टर वाइज होंगी पहली चीज यानी कि अध्यायवार करेंगे एक एक चैप्टर को क्रम से क्रम से है ध्यान रखना जिससे कि आप लोगों को ये ना लगे कि हमारे इसमें कुछ चीजें छूट गई हैं या इस चीज अचानक कहां से किस टॉपिक से आ गई इससे क्या होगा जब आपका क्रम सिक्वेंस पता रहेगा तो आराम से चीजों को कर ले जाएंगे और दूसरी चीज रखेंगे इसमें ध्यान रखना स्टैटिक और डायनामिक अब कहोगे सर आज आप इंग्लिश में ज्यादा बता रहे हैं स्टैटिक यानी कि आपका जो बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड होता है यानी तथ्यात्मक जो बदलता नहीं है ध्यान रखना और यह है आपका करंट अफेयर बेस्ड यानी ट्रेडिशनल भी और करंट अफेयर बेस्ड भी क्योंकि अर्थव्यवस्था ध्यान रखना दोस्तों अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही ज्यादा गतिशील विषय है इतना ज्यादा गतिशील है कि डेली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ, कुछ कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है ध्यान रखना तो हम इसमें स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे और करंट अफेयर भी कवर करेंगे चैप्टर वाइज सारी चीजें कवर करेंगे ठीक है ना प्लस प्री और मेंस दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे हमारे अगर एक टॉपिक के सभी डायमेंशन हम क्लियर कर ले जाएं तो ध्यान रखना अब जैसे राष्ट्रीय आय है राष्ट्रीय आय की एक सिंपल सी परिभाषा है कि भाई देख देश में सभी लोगों द्वारा उत्पादित कुल आय ठीक है ना अब इसके सारे डायमेंशन हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीज़ें होती हैं कैसे कैसे चीज़ें होती हैं हमारा राष्ट्रीय आय देश की समृद्धि का प्रतीक है कि नहीं है इसके ज़्यादा होने से कम होने से क्या फर्क पड़ेगा क्या फर्क नहीं पड़ेगा यानी कि उसके एक एक पक्ष को खोल करके हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे साथ के साथ आपके एक्सपेक्टेड भी तो जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो सब इसमें होगी क्लास कवर करने के बाद में आप क्वेश्चंस कवर करते जाएंगे आपको लगेगा कि यार सर उसमें कुछ बचा ही नहीं है कंप्लीट इकोनॉमी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी आईक्यू चैनल पे हो गई सोचना ठीक है ना तो दोनों चीजें हो गई आपका कुछ नहीं बचेगा ओके क्लियर एवरीबॉडी समझ में आ गया तो हमारी क्लास का जो शेड्यूल रहेगा वो कैसे कैसे रहेगा इस पैटर्न पर रहेगा ये हमारा क्लास का शेड्यूल रहेगा इस तरीके से सारी चीजें हम कवर करेंगे बेटा जब आएंगे जब टॉपिक आएंगे जीवीए एबीए जीवीए जीडीपी सब डिस्कस करेंगे अब बीच बीच में ये सब पूछेंगे तो बेटा देखिए मैं बड़ा परेशान हो जाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अचानक बीच में कहां से पूछ लिया मेरे साथ चलिए आपका कोई कंफ्यूजन रह जाए उस चैप्टर से रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड तब मुझसे कहिएगा सर ये हमारा रह गया आपने चैप्टर खत्म करा दिया इसमें यह टॉपिक रह गया बिल्कुल बताइए मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक करिए मुझे मुझसे अटैच होइए जो भी पूछना है जो भी आपको पढ़ना है मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए सर इसको क्लास में डिस्कस कर दीजिएगा बेटा मेरी क्लास कभी बीच में खत्म नहीं होती अक्षय है मेरी क्लास पूरी कंप्लीट चलती है कंप्लीट चलती है मेरी क्लास मेरे अब तक जितने भी सेगमेंट हुए हैं आप देख लीजिएगा मैंने मेडिवल इंडिया कंप्लीट किया पूरा का पूरा इकोनॉमी कंप्लीट किया पूरा बीच में मैं नहीं छोड़ता टाइमिंग ग्यारह बजे से यस मंडे टू सटरडे इलेवन ए एम डेली बिल्कुल बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे ठीक है ना अब बात आती है कैसे कैसे कवर करेंगे तो ये मैंने आपको बताई दिया पिछले वर्षों के और संभावित टॉपिक कवर करेंगे ये मैंने आपको बताई दिया यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने अभी आपको जस्ट बताया था दोनों चीजें विस्तार पूर्वक करेंगे बिल्कुल करेंगे प्री के हिसाब से भी करेंगे और मेंस के हिसाब से भी करेंगे ध्यान रखना इसमें हम जो बात करेंगे वो हर डायमेंशन करेंगे यानी कि उसकी कोई भी टॉपिक होगा उसकी डेफिनेशन क्या है हम इस पर चर्चा करेंगे इस डेफिनेशन का कोई अर्थ क्यों है या कैसे है उस पर भी चर्चा करेंगे यानी तीन चीजों पर तो विशेष तौर पर हम चर्चा करेंगे क्या है क्यों है और कैसे है कब और किसने डेफिनेशन दी इस पर हम लोग विशेष तौर पर चर्चा नहीं करेंगे बस ये लेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है राष्ट्रीय आय का महत्व क्यों है क्या क्या महत्व तो है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है ना ध्यान रखेगा अमृत मॉडर्न इंडिया आज शाम से स्टार्ट हो रही है साढ़े पांच बजे से मॉडर्न इंडिया आज शाम साढ़े पांच बजे से टेंशन मत लीजिए और मैंने बताई दिया प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों है इसमें कोई शक नहीं है तो यह सारी सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे कैसे हम लोगों का क्लास का शेड्यूल रहेगा इसी में देखेंगे तो आपका आप क्या कैसे रहेगा आपका करंट अफेयर्स भी रहेंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक जो आएंगे वाइज और स्टैटिक पोर्शन भी रहेगा ध्यान रखना दोनों चीजें रहेंगे और तीसरी चीज मैंने बताई दी थी आपको हम कैसे करेंगे इसको वाइज करेंगे अध्याय आधारित अध्याय वो मैं आपको दिखाई डिस्कस करी दूंगा बता दूंगा कैसे कैसे होगा ठीक है ना क्लियर और जिन लोगों को आप में से कोई पूछना चाह रहा था कि सर हमको बैच ज्वाइन करना है तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं पी का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है ध्यान रखिएगा तेईस तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है तेईस तारीख से शाम को छ बजे इवनिंग बैच शाम को छ बजे हिंदी हिंग्लिश और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में स्टार्ट हो रहा है फीस इसकी सेवनटी थाउजेंड नहीं है बल्कि उनतीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए है यदि आप कोड इस्तेमाल करते हैं एम के लाइव तो और इसके माध्यम से आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो पर्सनल अटैचमेंट मेरे साथ रहेगा ही रहेगा ठीक है ना आपको गाइड करने से लेकर के हर एक लेवल पर ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी बिल्कुल कॉमेडी एक्शन सेंट्रल अरिहंत ठीक है ना वेरी गुड मॉर्निंग आर बी थर्टी तो बात ध्यान रखिएगा तो इसको हम लोग ध्यान रखिएगा इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ पर्सनली अटैच हो सकते हैं ठीक है ना और इसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो हम लोग पहले भी बता चुके हैं आपको लेक्चर के नोट्स मिलेंगे मेंटरशिप अलग से मिलेगी मिलेगी यानी एक मेंटर आपको अलॉट कर दिया जाएगा बुक्स हैं टेस्ट सीरीज है लाइव क्लास है मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद चार महीने के लिए आप स्टडी आई के प्रमाइस पर दिल्ली में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे और आपको हमारे यहाँ के सभी मेंटर्स और टीचर्स मेन्स की चार महीने तक आपको मेहनत करवाएंगे और उसको आपको एक रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना है यही है हमारी थर्ड स्टेज वाली स्ट्रेटजी ध्यान रखिएगा ओके okay? चलिए अब मैं जो बात कर रहा था कि हम चैप्टर वाइज कैसे करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा ये है भारतीय अर्थव्यवस्था का पाठ्यक्रम ये रहा आपका मैंने इसको चार यूनिट में और चौदह चैप्टर में इसको डिवाइड किया हुआ है ध्यान रखना पहली यूनिट है सामाजिक आर्थिक विकास की जिसमें हम अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बुनियादी समझ के बारे में डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जितनी भी टर्मोलॉजी होगी उसके बारे में बात करेंगे फिर हम आ जाएंगे विकास के बारे में जिसमें समृद्धि विकास समावेशी विकास सतत विकास राष्ट्रीय आय ठीक है ना ये सारी चीज़ें जी डी पी जी एन पी एवरीबडी वो सब कुछ इसमें आ जाएंगे जितने भी टर्मोलॉजी हैं जितने भी आपके चार्ट हैं ठीक है ना जितने भी आपके डायग्राम्स हैं जितने भी उन्होंने अब अलग अलग थिंकर्स ने जो थ्योरी दे रखी हैं जितनी भी होंगी वो सब इसमें आएंगे फिर हम पार बात करेंगे मानव विकास के बारे में मानव विकास की गरीबी से संबंधित सारी चीजें बेरोजगारी जनसंख्या ग्रामीण और शहरी विकास से संबंधित जितनी अवधारणा है वो सब प्लानिंग से रिलेटेड कितने तरह की प्लानिंग है ठीक है ना इंडिकेटिव प्लानिंग है इंपरेटिव प्लानिंग है ठीक है ना इस तरह की बहुत सारी प्लानिंग्स के बारे में एक एक चीज यानी कि इनमें से देखेंगे तो चार चैप्टर ये हैं फिर सेक्टोरल डेवलपमेंट कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई इतनी टर्मोलॉजी होंगी चैप्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री रिलेटेड से सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी आपके चैप्टर वाइज जितनी भी टर्मोलॉजी होंगी करंट बेस्ड और ट्रेडिशनल दोनों तरह की हम इसमें चीजें कवर करते चले जाएंगे और यहीं से कोशिश करेंगे कि आपका प्री का और मींस का दोनों टॉपिक कवर हो जाए शीमा यादव बाय बोल रहे हैं <laughs> बेटा देखिए मैं ये मानना मान रहा हूं एक्शन कॉमेडी आपका नाम बड़ा खतरनाक है यार नाम चेंज कर लो यार अरिहंत प्री के लिए कितने दिन पढ़ाएंगे बात यह है कि आप अपना समय परफेक्ट तरीके से कवर करिए जितना चाहे उतना पढ़ने की कोशिश करिए जब तक सारी चीजें कवर ना हो जाए और आपको तो प्री क्या दोनों के लिए कवर करना है ना ठीक है ना थर्ड सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर वित्तीय क्षेत्र और सबसे ज्यादा टर्मोलॉजी इसी में आती है सबसे ज्यादा टर्मोलॉजी है इसी में आती है मनी एंड बैंकिंग मुद्रा बाजार मुद्रा है बैंकिंग है आरबीआई है मुद्रा है इससे रिलेटेड सोचिए कितनी टर्मोलॉजी है सबसे ज्यादा टर्मोलॉजी आपकी शेयर बाजार में होगी या फिर बैंकिंग सेक्टर में होगी सबसे ज्यादा टर्मोलॉजी होती है और उसी में सबसे ज्यादा लोग परेशान रहते हैं कि कितनी तरह की टर्मोलॉजी है क्या है किस तरह की है सारी चीजें लोक वित्त राजकोषीय नीति बजट कराधान करों के स्ट्रक्चर लेके एक एक चीज एक एक चीज इसमें कवर हो जाएगी आपकी ठीक है ना और फोर्थ यूनिट भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व के साथ अंत क्रिया इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड इंडियन इकोनॉमी इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड व्यापार भारतीय विदेश व्यापार नीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इनसे रिलेटेड जितने भी होंगे जैसे सीपीए ठीक है ना कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट एफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं इंटरनेशनल ट्रेड में डब्ल्यू में बहुत सारी शब्दावली आती है जिनका आप अर्थ ही नहीं जानते नामा एनएमए जब क्वेश्चन आते हैं तब तो समझ में आता है कि ये क्वेश्चन आए कहां से हैं नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस गैर कृषि बाजार पहुंच इसका मतलब क्या होता है बात समझना बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन तो आप जानते हैं लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं यानी कि पूरा का पूरा इकोनॉमी टर्मोलॉजी बेस्ड है इसलिए मैंने बहुत सोच समझ करके आपके लिए ये प्रोग्राम में लेकर के आया जैसे मेरी मेहनत ज्यादा है और आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी बस इतना ध्यान रखिएगा ओके क्लियर अब इसमें देखिएगा पहला टॉपिक पहली यूनिट का पहला टॉपिक आधारभूत समझ जो मैंने कहा बुनियादी समझ अब सोचिए बुनियादी समझ के अंतर्गत ही सोचना कितने टॉपिक हैं एक अर्थशास्त्र है अपने आप में परिभाषा है और अर्थव्यवस्था है ठीक है ना अर्थशास्त्र के रूप ही है माइक्रो इकोनॉमी सूक्ष्म अर्थशास्त्र बृहत अर्थशास्त्र नियामकी अर्थशास्त्र विकासात्मक अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र व्यवहारिक अर्थशास्त्र और यहां से सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सोचना इनमें से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं इनका स्टडी कैसे किया जाता है अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है दोनों में अंतर क्या होता है ऐसा नहीं कि हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को नहीं देखेंगे उनको भी देखेंगे जैसे मैंने इस चैप्टर के सारे के सारे टॉपिक मैंने डिफाइन किए ना इस ये तो है ही है इनके अलावा और भी होंगे और इनका करंट में लिंक भी करेंगे ध्यान रखना अर्थव्यवस्था के प्रकार ये हो गया अर्थशास्त्र रूप अर्थव्यवस्था बंद और खुली अर्थव्यवस्था विकसित विकासशील उभरती और अल्पविकसित अर्थव्यवस्था हरित अर्थव्यवस्था नीली अर्थव्यवस्था गिग अर्थव्यवस्था प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पैरल इकोनॉमी अर्थ एक, अर्थ सर्कुलर इकोनॉमी ये सब टेक्नोलॉजी सारी चीजें करंट में चल रही हैं गिग इकॉनॉमी क्या है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या है पैरल इकॉनॉमी क्या है सर्कुलर इकॉनॉमी क्या है सरकार इस पर कितना फोकस कर रही है क्यों कर रही है इसका अर्थ क्या है इसके लिए सरकार ने हाल फिलहाल में कौन कौन सी नीतियां बनाई हैं कौन कौन से कानून बनाए हैं कौन कौन सी स्कीम्स बनाई हैं एक टॉपिक उठाएंगे उसके सारे डायमेंशन क्लियर करेंगे प्री के लिए भी मेंस के लिए भी बस आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी पेशेंस रखना मेरी क्लास में अभी अजीम ने एक बड़ी अच्छी सी लाइन कही थी अजीम नहीं कही थी पर कितने कही थी कि सर तो सीरियस रहते हैं चाहे स्टूडेंट रहे ना रहे ये बिल्कुल सही है बेटा अगर मैं सीरियस ना होता ना तो मैं अपनी जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं होता मैं कभी यूपीएससी का प्री क्वालिफाई नहीं कर पाता ना मेंस क्वालिफाई कर पाता ना पीसीएस में सिलेक्शन ले पाता अगर सीरियस ना होता तो समझ लीजिएगा बस आप लोग मेहनत करिए जो जिसको समझ में आएगा देखिए जो आज ढंग से नहीं पढ़ रहा ना कल उसको ये लगेगा कि कास हमने वहां कर लिया होता मनोज सर ने तो सही कहा था हम ही सीरियस नहीं थे अगर वो कभी भी जिंदगी में कभी भी सोचेगा तो कि सर ने तो सही कहा था हम ही नहीं पढ़े थे हर टीचर यूट्यूब पर सोचिए नौटंकी करने वाला नहीं होता नाटक करने वाला नहीं होता हर टीचर सोचिए पीपीटी पढ़ पढ़ करके पढ़ाने वाला नहीं होता बेटा ध्यान रखना सबके अपने अपने अलग अलग कंसेप्ट होते हैं मेरा उद्देश्य अलग है मैं चाहता हूं कि आप में से सौ बच्चे हों सौ में से दस बच्चे गरीब हैं लेकिन मेहनती हैं अगर उनको मेरी तरफ से स्टडी आयोग की तरफ से फायदा पहुंचा तो समझ लीजिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है चाहे नब्बे बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें दस गरीब बच्चों को हेल्प मिलनी चाहिए जो सीरियस है ध्यान रखना स्टडी आयोग को पूरे टीम मैनेजमेंट से लेकर ऑनर से लेकर के सब ने एक ही चीज कही है कि सर आप सभी लोग ऐसी कोई टॉपिक मत पढ़ाइए जो बच्चों के एग्जाम के लिए रिलेटेड ना हो बल्कि उनके लिए सभी टॉपिक सीरियस जो रिलेटेड हैं कंटेंट उस पर फोकस कीजिए और स्टडी आई का नाम सिर्फ कंटेंट की वजह से है ध्यान रखना ओके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र ये तो तीन क्षेत्र हैं ही हैं ये हम सब लोग जानते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी उसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चेंज आते हैं क्यों चेंज आते हैं इनके भी सारे डायमेंशन देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं ठीक है ना क्यों आती हैं वर्तमान में प्राइमरी सेक्टर की कंडीशन क्या है इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर की कंडीशन क्या है टर्सरी सेक्टर की पोजिशन क्या है कौन सा बूम कर रहा है और क्यों कर रहा है और कोई सेगमेंट नीचे जा रहा है तो नीचे क्यों जा रहा है यानी कि प्री और मींस दोनों कवर करते निकल जाना है सेम पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर और पीपीपी ये क्या है और पीपीपी -पी -पी के मॉडल भी जो आएंगे पी -पी -पी के क्या है? -ओ -ओ सारे आप कहोगे सर आपने पूरा इकोनॉमी तो यही पढ़ा दिया ठीक है ना संगठित और असंगठित क्षेत्र इनमें अंतर क्या होता है ये तो सोचिए कि केवल केवल पहला चैप्टर है जिसके बारे में ध्यान रखिएगा इन सब चीजों के बारे में आपकी किताब में मुश्किल से एक या दो पेज में डेफिनेशन दे रखी होती है एक या दो पेज में चीजें समझाई होती हैं। इस चैप्टर को ज्यादा किताबों में या किसी भी नोट्स में नहीं दिया होता उनको लगता है कि यहां से क्वेश्चन नहीं बनते जबकि पेपर उठा के देखेंगे तो यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं ओके तो एवरीबडी तो पहले चैप्टर समझ में आ गए कि किन किन चीजों को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे यस yes, इसी तरह समझ लीजिएगा यही है कंसेप्ट और इसमें सोचिए कि मैं पहला आपको हल्का सा इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अर्थशास्त्र मैं डेफिनेशन कर रहा हूं आज आप थोड़ा सा क्लास लेट हो गई है कोई इशू नहीं है लेकिन इसको लेकर के मैं चाहूंगा कि आज आप थोड़ा सा ही सही लेकिन पढ़िए बाकी हम कल से प्रॉपर और ज्यादा टाइम से इसको स्टार्ट करेंगे आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी अर्थशास्त्र देखिए एक तो होती है डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स ध्यान रखना यानी कि इसे हम कह सकते हैं इकोनॉमिक साइंस साइंस का मतलब होता है शास्त्र और यह है आर्थिक इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक यानी कि विज्ञान आर्थिक गतिविधियों का विज्ञान और विज्ञान तो जानते हैं ना विज्ञान की परिभाषा तो आपने पढ़ी है ना पढ़ी है ना विज्ञान क्या है एक व्यवस्थित ज्ञान किसी भी वस्तु या किसी भी द्रव्य के बारे में जब हम कोई व्यवस्थित ज्ञान अर्जित करते हैं तो वही क्या कहलाता है विज्ञान कहलाता है तो उसी तरीके से जब हम किसी आर्थिक गतिविधियों के बारे में सोचिएगा आर्थिक गतिविधियां जब हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में हम व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं अर्थशास्त्र शास्त्र मतलब शास्त्र विज्ञान सिस्टमेटिक तरीके से उसकी स्टडी करना ध्यान रखना इसी को कहा जाता है बात आती है कि आर्थिक गतिविधियां कौन सी एक चीज ध्यान रखना अर्थशास्त्र का संबंध किसी भी एक देश से नहीं है ध्यान रखना पहली बात यहां पर मैं हल्का सा इंडिकेट कर रहा हूं मैं। इन सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं कल से ही आज आपको केवल और केवल एक डेमो देने की कोशिश कर रहा हूं समझिएगा अर्थशास्त्र का संबंध किसी देश से नहीं है इसका संबंध है किससे एक अवधारणा से यह एक अवधारणा है कैसी अवधारणा है एक वैश्विक अवधारणा है ध्यान रखना वैश्विक अवधारणा इसे हम कह सकते हैं यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है सैद्धांतिक अवधारणा

हमारा पंखा चलता है तो पंखा किस ब्याह पर चलता है आपका का ए चलता है तो एसी में कौन सी फिजिक्स की हमारी टर्मोलॉजी या फिजिक्स की ऐसी कौन सा कंसेप्ट लगाया हुआ है कौन सी गैस यूज करते हैं किस सिद्धांत के तहत चलती है बिजली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और किस सिद्धांत के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो सिद्धांत है उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के भी अर्थशास्त्र के भी क्या होते हैं सिद्धांत होते हैं शास्त्र का मतलब होता है सैद्धांतिक ज्ञान होता है ये और यह सैद्धांतिक ज्ञान कौन देता है विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्री देते हैं यानी कि विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों द्वारा अपने अपने तरीके से जो ज्ञान दिया गया है किसी भी चीज के बारे में खासकर आर्थिक गतिविधियों के बारे में उसी को हम क्या कहते हैं अर्थशास्त्र कहते हैं इसीलिए अर्थशास्त्र में ध्यान रखना विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों की दी हुई परिभाषाओं को पढ़ते हैं ध्यान रखना और इसका संबंध किसी एक देश से नहीं है पूरे वैश्विक अवधारणा से है अर्थशास्त्र पूरे विश्व की अवधारणा है इसमें सिद्धांत के माध्यम से पढ़ते हैं आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं किसके माध्यम से सिद्धांत के माध्यम से जैसे आपका एडम स्मिथ का सिद्धांत हो सकता है मुक्त व्यापार का सिद्धांत ठीक है ना आपका क्या नाम है अल्फ्रेड मार्सल का सिद्धांत हो सकता है इकोनॉमी का वो अलग हो सकता है अमर सेन का सिद्धांत हो सकता है बिल्कुल होंगी बेटा आपकी एनवायरमेंट इकोलॉजी की सबकी क्लास होंगी बिल्कुल होंगे डियर ठीक है ना इसलिए इसको हम जल्दी फिनिश कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया क्योंकि आज क्लास थोड़ी लेट हो गई थी तो बात समझिएगा अर्थशास्त्र का मतलब यही है और अर्थशास्त्र यानी कि आर्थिक गतिविधियां और ध्यान रखिएगा आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं आर्थिक गतिविधियां होती हैं पांच बस इसको समझ लीजिए बाकी कल मैं बताऊंगा ध्यान रखना पांच एक देश में आर्थिक गतिविधियों में कुछ वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है उत्पादन होता है उनका उपभोग होता है ध्यान रखना क्या होता है उत्पादन होता है उपभोग होता है ठीक उनका वितरण होता है वस्तुओं सेवाओं का हम उत्पादन करते हैं उपभोग करते हैं वितरण करते हैं उनको हम खरीदते हैं विनिमय करते हैं पैसा देते हैं और कुछ क्या करते हैं उनको हम खरीदते और बेचते हैं पैसे के माध्यम से विनिमय के माध्यम से और एक चीज और होती है वो होता है राजस्व क्योंकि इसी के माध्यम से सरकार अपने लिए कुछ पैसा जुटाती है और लोगों को सेवाएं देती है फिर उसके बदले में तो ये पांच गतिविधियां होती हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में तो अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना कौन कौन सी उत्पादन उपभोग वितरण विनिमय और राजस्व क्लियर है आज इसको इतना यही रखेंगे बाकी कल मैं यहां से प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा आज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा सोचिएगा लेट होना पड़ा और अगली क्लास फिर कंटिन्यू है बिल्कुल बेटा पूरी क्लास चलेगी कंटिन्यू रहिए ग्यारह बजे से कल से आप लोग सभी लोग ध्यान रखना आप लोग टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी और आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो भी चाहिए आप मुझसे यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं आप जुड़े रहिएगा कल से पूरी की पूरी आपकी क्लास होगी एक एक टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्री के लिए भी, मेंस के लिए लिए भी भी ठीक है ना आज सिर्फ इतना ही थोड़ा सा डिले हो गया था इसकी वजह से आज थोड़ा सा पहले खत्म करना पड़ रहा है आई एम सॉरी कल इसको कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं थैंक यू और शाम को साढ़े पांच बजे सभी लोग ध्यान रखिएगा मॉडर्न इंडिया थ्रू मेंस आंसर राइटिंग पूरी मॉडर्न इंडिया थ्रू मींस आंसर राइटिंग के हम कंप्लीट करेंगे यस yes. साढ़े पांच बजे सभी लोग रहिएगा ओके चलिए ऑल द बेस्ट हैव हैवे नाइस डे